हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं मलिक आज आपके लिए लेकर हूँ साइलेंट लेटर ई एंड एल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइलेंट लेटर ई, जब किसी भी वर्ड के बाद ई आता है, जब किसी भी वर्ड के बाद ई आता है तो वहां पर ई साइलेंट होता है। जब किसी भी वर्ड के बाद ई आता है तो ई साइलेंट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एज, ब्रेथ, ब्रिज, हेड। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी वर्ड के बाद ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए चार वर्ड्स लिख रखे हैं। अब मैं बताऊंगा एक कंडीशन और है, अगर जब किसी भी वर्ड के बाद ई साइलेंट रहता है और जो वर्ड आता है उससे पहले जो वर्ड आता है और उसमें वोवेल्स के वाले वर्ड हो, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये वर्ड कोई भी हो तो उसमें उस वर्ड को थोड़ा लंबा लेकर चलेंगे हम, ठीक है। जैसे मैन, कैप, पाइप, ट्यूब, तो इस तरीके से हम उसको उच्चारण करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं साइलेंट लेटर ए के बारे में। एच तब साइलेंट होता है जब एल के ठीक बाद एम, डी, के, एफ ये वर्ड्स आते हैं। एच तब साइलेंट होता है जब एम, डी, के, एफ ये वर्ड्स उसके बाद आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल पहले देखते हैं एम का। एम, बहुत से स्टूडेंट इसको इसका उच्चारण जो करते हैं उसका करते हैं कॉल्म, कॉल्म, नेक, पाल्म, इसको बाल्म, लेकिन ये होते हैं काम, पाम, बाम। नेक्स्ट डी, सुड, वुड, कुड, ये सुल्ड नहीं होता, ये वुल्ड नहीं होता और ये कुल्ड नहीं होता, ये होते हैं सुड, वुड, कुड। इतना तो सभी जानते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा रीडिंग में, सबसे ज्यादा बुक्स में, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये बेसिक है, तो इसकी तो सबको पता होती है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी जानता है कि यहाँ पर एल साइलेंट है या नहीं है, हमें नहीं पता, बट हम तो सुड बोलेंगे क्योंकि सब बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे के बारे में। के, काफ, फाक, टोक, तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं के वाले, यहां पे भी एल साइलेंट है। अब एफ, कैफ, हाफ, काफ, हाफ, तो यहां भी हमारा एल साइलेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साइलेंट लेटर ई और एल। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप ये समझ रहे हो कि एम ए एन इसका मतलब आदमी होता है, ठीक है, मैन, और यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैन इसमें भी आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स अगर जो बिगिनर्स हैं उनको कंफ्यूजन होगी, यार मैन में भी फिर ही आता होगा, नहीं, इसका मतलब होता है घने बाल, एम ए एन ई, घने बाल। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।